मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं तेज भैया हमको मानते थे, तेजस्वी जी हमको नहीं मानते थे स्टार्टिंग टाइम से, सुन लीजिए बात, मुझे जगदानंद सिंह जी नहीं मानते थे, तो क्या आकाश यादव कटोरा की भीख मांग रहा है क्या? आकाश यादव किसी के मतलब कि जो हमको, हम किसी के गर्लफ्रेंड बनने के फिराक में है कि हमको वो पसंद करेगा तब हम बनेंगे, हमको वो पसंद कर... नहीं। अच्छा। यादव जाति के अगर आप नेता है, 14 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ में अगर 3 करोड़ अगर यादव है, तो आप मुझे गिनती कराइए कि अपने सत्ता में रहते हुए और अभी आप सत्ता में है, आपने कितने यादव को क्या किया? आज भी लोग, कई लोग कहते हैं कि आकाश यादव तेज प्रताप के पक्ष में बोलता है, आकाश यादव लोग अंदरूनी बात करता होगा। मैं आपको क्लियर एंड कट बात बता देता हूं कि मैं जिसका सम्मान करता हूं मरते दम तक करता रहूंगा, और जिसका जो अधिकार है, जनता का जो अधिकार है, और अगर मैंने कसम खाया है कि जनता के अधिकारों को दिलाऊंगा, तो चाहे वो अधिकार मुझे आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी या प्रिंस भैया से आग्रह करके मांगना हो या फिर तेजस्वी यादव से छीनना हो, दोनों काम करने के लिए हम तैयार हैं। और मैंने प्रण लिया है कि मैं हसनपुर की जनता से जो हमने वादा किया था, चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों का हो, सिरसिया के लोगों का समस्या हो, चाहे वो जो भी समस्या हो, अस्पताल तक हमारी क्षमता है कि मैं अस्पताल तक मदद कर देता हूँ, जहाँ हमको जो खोजते हैं सब कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे नेताओं से काम होने का होगा, आकाश यादव किसी भी पार्टी में रहे, मैं पार्टी विशेष नहीं बल्कि मैं एक हसनपुर का एक वादा करने वाला एक लड़का के होने के नाते मैं वादा पूरा करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। और कुछ हमको नहीं चाहिए कि मैं जब आईना में देखूं अपने आप को तो मुझे लगे कि मैंने हसनपुर में ये बात बोला था, आज ये बात हो रहा है। जैसे आकाश यादव ने राजनीति को जाना हसनपुर आने के बाद, हसनपुर अगर मैं नहीं आता, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय लालू यादव जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का कि मैं हसनपुर, उनके माध्यम से मैं हसनपुर जैसे इस क्रांतिकारी और पवित्र धरती पर आया, और मुझे इस बात बोलने में जरा भी संकोच नहीं है, जरा सा भी नहीं। मैंने पटना में मैं बैठ के मैंने पूरे बिहार का 38 जिला देखा है। हसनपुर की जनता में जो स्वाभिमान है, मैं दिल पे और दावे के साथ और डंके की चोट पे कहता हूँ, ये स्वाभिमान मुझे पूरे बिहार में किसी जिला में नहीं देखने को मिला है आज तक, जो यहाँ का स्वाभिमान है। मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मैं बिहारी हूँ, और मैं यादव हूँ, तो ये इतना चीज तो मैं हूँ। तो जब मैं इतना चीज हूँ तो मुझे बोलने में या करने में क्या दिक्कत है? तो जो एक भावना था तेज प्रताप भैया को लेकर, उस भावना को कुचल दिया उनके परिवारों ने, उनके पार्टियों ने, और उनके पार्टी के अंदर में भविष्य तराशने वाले लोगों ने। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम आज भी सम्मान करते हैं, और मरते दम तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और रोसा जंक्शन को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा जनमानस का मुद्दा को उठाने का काम करता है, चाहे वो बेघर के घर पे बच्चियां का मृत्यु हो या किसी के साथ अप्रिय घटना हो और सरकार की लापरवाही उसको उजागर करता है। जब 2020 में जब हम हसनपुर विधानसभा आए थे, आज आपसे हम दिल के ही बात करते हैं, जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमें बोला था कि आकाश तेज भैया जो हैं वो हसनपुर से लड़ेंगे, हसनपुर तुम लोग को जाना है, तो आज मुझे याद है कि मैं पहला बार यहाँ पे आया था और हसनपुर में बांध पर मैं गया था, जिस तरफ सिरसिया गांव हुआ करता था, और सिरसिया गांव पे हम जाकर वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों से मिले थे और बाढ़ पीड़ितों के बीच में खाना दिए, थोड़ा एक समीकरण यहाँ का व्यू लेकर गए थे, कितना व्यू है, कितना यहाँ पे यादव का वोट है, कितना सहनी का वोट है, कितना मुसलमान का वोट है, कितना प्रखंड है, ये तमाम चीजों को हमने अपने तन मन और ईमानदारी के साथ हमने यहाँ पर दिया। और यही हसनपुर में यह स्थिति था कि हसनपुर में सही ढंग से कोई होटल्स नहीं था जिसमें कि आप स्टे कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हम लोग रोसरा के संध्या होटल में रुकते थे और तकरीबन 2 महीना हमने संध्या होटल में हम रुके होंगे, और हसनपुर में जो 3 प्रखंड आता है जिसमें हसनपुर, बिथान और सिंघिया का 5 पंचायत आता है, तो तमाम पंचायतों का हमने भ्रमण किया। सबसे बुरा हाल था कुटौना बतीरा का, जो कि अलौली खगड़िया से बॉर्डर पे जो निकलता था, तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को देख के हमें लगा था कि अब यहाँ बदलाव चाहिए, लेकिन मेरे ही साथ बदलाव हो गया ये हमको अनुमान नहीं था। तो हम लोग जब गांव-गांव जाते थे तो वहां हम नारा लगाते थे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और हम लोग गांव की जनता को, भोली भाली जनता को, समझदार जनता को, क्रांतिकारी जनता को ये कहते थे कि आपका जो वोट होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री के दरवाजे के पास का होगा, आपका कोई समस्या होगा तो वो टेलीफोन मुख्यमंत्री के आवास पे से होगा। तो मुख्यमंत्री हमारा कौन था? मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी थे, जिनको बनाने के लिए हम लोग रात दिन जमीन आसमान एक कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद
कुछ महीनों तक, एक महीने के बाद अचानक से मैं उसमें आरा के तरफ में था, बाय रोड में कहीं पोड़ा में जा रहा था, उसी वक्त हमको फोन आता है कि भैया थोड़ा फेसबुक देखिए, आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है। और उसी दिन उस कार्यक्रम से पहले, दो घंटे पहले, चार घंटे पहले, हम मतलब कि जाति जनगणना को लेकर डीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपने गए थे राजद के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद। तो जब हमारे पास ये आता है कि हमको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, पत्रकार लोग हैं, तो हम शॉक्ड हो जाते थे कि भाई हमको अचानक से पार्टी से क्यों निकाला गया। तो हम तेज भैया से बात करते कि भैया ये क्या हुआ, वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि वो छात्र राजद के संरक्षक थे और उस वक्त आपको याद होगा कि उनको जगदानंद सिंह जी, जो वर्तमान के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि छात्र राजद का संरक्षक कोई पद नहीं होता है, फिर उसके बाद हुई स्टेज पर था, ये जगदानंद सिंह जी ने कहा था। तो हमें लगा उस वक्त में कि अगर मैं यहाँ पे अगर लड़ता हूँ तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई ना तो राजनीतिक लड़ाई है और ना तो सामाजिक लड़ाई है, और हमको जिस लड़ाई में लड़ना था वो लड़ाई था जनता की लड़ाई, कि जनता का जो समस्या है, जो समाधान है, जो उनकी समाधान का जो तरीका है, वो कैसे पूरी की जाए। तो हमने उसी जगह पे हमने हाथ जोड़ा और हमने अपने नेता को, जिसमें हमारे छात्र राजद के जो संरक्षक हुआ करते थे, हमने उनको कहा कि भैया कि आज के बाद से हमारा इस पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो हमारा डिसीजन होगा, और किसी भी वजह से आकाश यादव हमेशा बदनाम हुआ है, अब ना हो, छात्र राजद के पद से हमें हटाया गया। बुरा बस इस बात का लगा कि जब वो मीडिया में जब आए जगदानंद सिंह जी, तो तेजस्वी यादव जी राजद कार्यालय के अंदर में बंद थे, वो मीटिंग कर रहे थे। अच्छा। और जो जिस लड़के को बनाया गया उस सब हम लोग साथ में राजनीति किए थे। बुरा लगा कि एक आठ साल आपके पार्टी में देने के बाद, 2014 से मैं आपके पार्टी का वाणिज्य महाविद्यालय से मैं झंडा उठा रहा था और आपसे हमको कुछ उम्मीद नहीं था, ना तो हम चुनाव लड़ने के लिए थे कि हमको चुनाव लड़ना है या एमएलसी बनना है या सांसद बनना है, हमको बस उम्मीद था कि आपने जो हम पे भरोसा किया था कि आकाश वहां जा रहा है, सब चुनाव का देख रहा है, तो एक जगह पे भी बेईमानी नहीं हुआ और एक जगह पे भी कहीं मेहनत में हम और हमारे तमाम साथियों ने कोई कमी नहीं छोड़ा और हम लोगों ने पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ जब चुनाव जिताकर जब तेज भैया को जब पटना भेजा हम लोगों ने, तो हमें लगा था कि शायद तेजस्वी भैया हम लोग को कहेंगे कि आकाश वेल डन, बहुत धन्यवाद। आज तक धन्यवाद भी नहीं मिला और ये जवाब में मिलता है कि आकाश यादव हमारे पार्टी में था ही नहीं, ये ऐसा कोई पद था ही नहीं, छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष कोई था ही नहीं। तो उस वक्त का जो झटका हमारे तरफ लगा, तो हमको यही लगा कि अगर मेरे जगह पे अगर मैं महादेव का भक्त नहीं होता, महाकाल आप लोग का आशीर्वाद प्यार नहीं होता, तो शायद मेरे जगह पे कोई दूसरा लड़का अगर होता तो वो शायद सुसाइड भी कर सकता था, क्योंकि हम तो उस पार्टी को दिल से मान रहे थे, हम तो उनके लिए दिल से काम कर रहे थे, हम तो किसी से उनके पार्टी के नाम पे, तो कभी आप नहीं सुनोगे आकाश यादव राजद के नाम पे कहीं से रंगदारी उठाया, अपहरण किया, हत्या किया, कुछ भी किया। और जब हटाया गया तो उसके बाद बोला गया कि आकाश यादव को पोस्टर की वजह से हटाया गया, तो हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब राजद कार्यालय पे और पटना के बड़े बड़े होर्डिंग पे जब बड़ा बड़ा पोस्टर लगा, तो आप नेता प्रतिपक्ष थे, आप पता लगाते पोस्टर किसने लगवाया, और आपके कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगता है, छात्र का हमारा बैठक भी होता है, उस बैठक के बाद 15 दिन तक जगदानंद सिंह जी नहीं आते हैं, तो हमको बहुत अजीबोगरीब लगा। और जब हमको लगा कि अगर मैं इसमें अगर आगे बढ़ता हूँ, अगर इस पार्टी का मुझे पद से हटाया गया और मैं फिर आरजेडी का झंडा उठाकर मैं लड़ने जाऊं, तो कहीं ना कहीं सारा आरोप मेरे ऊपर आएगा कि आकाश यादव दो भाई में लड़ाई लगवा रहा है, आकाश यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने लड़ाई लड़ा, आकाश यादव के लिए फड़नवा ने लड़ाई लड़ा। हम इस चीज को नहीं चाहते थे और हम वहां से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम आज भी सम्मान करते हैं और मरते दम तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करेंगे। और जब हम वहां से निकले उसके बाद देखिए कि जिस कार्यालय के अंदर में आकाश यादव ने छात्र के कार्यालय में लोगों को बैठाना शुरू किया, छात्रों को एकजुट करना शुरू किया था, उसी कार्यालय के अंदर में जो जगदानंद सिंह जी अनुशासन के जो पाठ पढ़ाते हैं, उसी कार्यालय के अंदर में आकाश यादव को ऐसा कोई गाली नहीं होगा, ऐसा कुछ शब्द नहीं होगा जिसका प्रयोग हमारे लिए नहीं किया गया हो। तो एक दिल से भी टूटा हुआ, दल से भी तोड़ा हुआ और मानसिक रूप से एकदम परेशान होते हुए हमने अपने आप को अस्थिर किया और अस्थिर करने के बाद महाकाल महादेव का स्मरण करते हुए एक महा मतलब भगवान के रूप में
मतलब कह सकते हैं हम तो उनको भगवान मानते हैं, आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने सुबह के 8 बजे जब दिल्ली में मुझसे मुलाकात किया तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, मैंने उनका पैर छुआ, वो अकेले बैठे थे, हमारे साथ एक दो लोग थे, मैंने उनका पैर छुआ, बोला कि आपको बहुत तकलीफ है ना, बहुत कष्ट आपको दिया है आरजेडी वाला, हम आपको सम्मान देंगे। और तुरंत उसी वक्त उन्होंने शाम के 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया, और जिस कलम से आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी से हटाया था, आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारा चाचा जी ने उसी कलम से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। दोस्तों ये जो बात बोल रहे हैं ना, होता यूं है कि नेता लोग जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो जबान होता है, सिर्फ दिल से नहीं होता, लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो इनके आंखों से वो आंसू वो भाव दिख रहा है, क्योंकि वो अपमान और फिर तुरंत सम्मान, वो चीज इनके आंखों में दिख रहा है कि इनके साथ क्या बीता था, और जो बीता था वो सही बीता था, क्योंकि वो चीज हम इनके आंखों में देख रहे हैं, इनकी जवान को हम नहीं देख रहे। दूसरा नंबर चीज जो इनको पारस जी के तरफ से जो सम्मान मिला, कहीं ना कहीं अब इनके लिए उस जगह को छोड़ पाना, क्योंकि राजनीति में होता क्या है कि उधर पद मिला तो उधर चल जाइए, उधर पद मिला तो उधर चल जाइए, हो सकता है इनको फिर से जो है सो बुला लिया जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जिस परिस्थिति में इनको सम्मान दिया गया था ये छोड़ के जाएंगे अपने तरफ से कभी पारस जी को। मैं आपको एक अपने बारे में व्यक्तिगत बता दूं, क्योंकि आप हमसे एक भाई के नाते बात कर, एक पत्रकार के नाते नहीं, आप अगर जब आकाश यादव के 2014 से लेकर 2021 तक की राजनीति अगर आप देखेंगे पिछले 7 सालों में, तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में लोग कहता था कि तेज प्रताप यादव भैया का कुछ नहीं है, इनका नहीं चलता है, जीरो, ये फ्लॉप है, ये बर्बाद है, ये मतलब तरह तरह का बात उनके बारे में बोलता था, लोग बोलता था, ठीक है, पागल भी बोलता था। तो आकाश यादव अगर अपना भविष्य, अगर भविष्य के तलाश में अगर होता तो शायद आकाश यादव तेजस्वी यादव जी का जिंदाबाद करता कि तेजस्वी भैया के राघोपुर में हम होते हैं। अगर आकाश यादव भविष्य के तलाश में अगर होता तो आकाश यादव तेज भैया को छोड़कर पार्टी के अन्य वरीय नेताओं के यहाँ बैठा होता। 2014 से लेकर 2021 तक के जब तक मैं उस पार्टी में था, एक रिकॉर्ड अगर कोई उठा के अगर बता दे कि आकाश यादव कभी तेज प्रताप यादव भैया के अलावा कभी किसी के दरवाजे पे गया होगा और वहां ये कहा होगा कि भैया हमको कुछ बना दीजिए। मेरा एक सिंपल एजेंडा था कि हम एक यादव समाज के एक लड़का थे, समस्तीपुर हमारा ननियाल पड़ता था मोहद्दीनगर विधानसभा में, हमारे पूर्वजों का काफी योगदान रहा है समाज में, तो जो एक भावना था तेज प्रताप भैया को लेकर, उस भावना को कुचल दिया उनके परिवारों ने, उनके पार्टियों ने, और उनके पार्टी के अंदर में भविष्य तराशने वाले लोगों ने। और मैं आज आपको कह देता हूँ, मैं आपके क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था, माँ काली टूर्नामेंट, आज मंगलवार का दिन भी है, आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी से ना तो हमको टिकट चाहिए, ना तो हमको मंत्री बनना है, ना तो विधायक, ना तो सांसद, क्योंकि हसनपुर की जो जनता है ना, वो आकाश यादव का राजनीतिक शिक्षक है। यहाँ के एक एक बूढ़ा बुजुर्ग के मैंने जब चरण स्पर्श किया था ना, तो मुझे आशीर्वाद मिला था, और जो मैं यहाँ से शिक्षा लेकर गया हूँ राजनीति में ना, वो शिक्षा दो ही है। पहला शिक्षा कि आपको नेता, किसी माई के लाल नेता में औकात नहीं है कि कोई आपको नेता बना देगा। आपको 5 साल के लिए कोई एमएलसी बना सकता है, लेकिन आने वाले 5 पीढ़ी के लिए कोई आपको नेता नहीं बना सकता है। और नेता आपको बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र में जनता पे है, बाकी आपका ऊपर वाला किस्मत में है। लेकिन जो सम्मान मुझे पशुपति पारस जी ने जब मुझे बोला आकाश जी, एक जी शब्द जो उनका हमारे दिल में लगा ना, कल होकर पशुपति पारस चाचा जी सांसद रहे नहीं रहे, मंत्री रहे नहीं रहे, वो जब तक रहेंगे आकाश यादव उनको मरते दम तक नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आज भी आपके मीडिया से बात कर रहा हूँ तो मैं तेज प्रताप भैया ही कह रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ किया है उनसे तो हमारी आर पार की लड़ाई है, चाहे रिजल्ट जो हो। दोस्तों इनका शकल देखिए और कद काठी देखिए, हूबहू हम ही लोगों के जैसा है। अब हम लोगों के कद काठी जैसा लाखों लोग हैं, पूरे रोसड़ा अनुमंडल में देख लीजिए, जिला में देख लीजिए, राज्य स्तर पे देख लीजिए, तो करोड़ों युवा, लेकिन इन करोड़ों युवाओं में आकाश यादव जी उस जगह पर कैसे पहुंच गए जहां से पूरा राज्य इनकी तरफ देखता है, चाहे वो एक युवा नेता की तरह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह, लेकिन आकाश यादव जी में कुछ खूबियां हैं जो हमने आज इनमें देखा। पहला नंबर की जब कोई बड़ा नेता, राज्य स्तर का नेता किसी छोटे गांव में किसी कार्यक्रम में आता है तो वो सीना
तान करके आता है बॉडीगार्ड के साथ और 10 लोगों के साथ आता है और बैठता है और बड़े बुजुर्ग लोग उनको ऐसे ऐसे करके प्रणाम 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 करते हैं और ऐसे ऐसे मुंह डोलाते हैं। लेकिन आकाश यादव जी में देखे हैं कि गाड़ी से उतरे और कार्यक्रम से विदा होने तक जितने भी बड़े लोग मिले सबको ही पैर छू करके प्रणाम की, और जितने कम उम्र के बच्चे हो हमारे उम्र के बच्चे हो सबसे ही हाथ मिला रहे थे, वो भी भावना के साथ। तो यही फर्क है कि आकाश यादव जी इतने व्यवहार कुशल है जिस वजह से इतने करोड़ों युवाओं में से ये उस जगह तक पहुंचे। लेकिन आकाश यादव जी भावनात्मक है, किसी से जुड़ जाते हैं तो दिल से जुड़ते हैं जैसा इन्होंने कहा। लेकिन पशुपति पारस जी से आप जुड़े तो निश्चित रूप से उनके पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, प्रिंस राज से भी जुड़े हुए हैं। तो इतना जुड़ाव जब आपका हो जाएगा किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से, और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि प्रिंस पासवान जी के काम से लोग शिकायत करेंगे कि हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ, लोग मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, क्या उस समय में आप ये हिम्मत रखते हैं कि जिससे आप इतना प्यार करते हैं कि जिनको कभी नहीं छोड़ते हैं, आप बोलिए कि भैया उस गांव में ये काम होना चाहिए था, आपके तरफ से नहीं हुआ, पशुपति पारस जी आपके क्षेत्र में ये काम होना था, इस तरह का क्राइम हो गया, आप वहां पर, क्या ये सामना सामने बोलने की आप क्षमता रखते हैं? मैं अब आपको एक बात मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि इसी रोसड़ा के सड़क पर हसनपुर से एक पिकअप आ रहा था जिसमें कि करीबन 7 लोग की मृत्यु हुई थी और 13 लोग घायल हुए थे। उस समय आदरणीय तेज प्रताप भैया यहां से चुनाव जीतकर गए थे, विधायक गए थे। मैं पटना से चलकर मैं यहां आया था और सभी को आर्थिक मदद से सभी के घर में पीड़ितों से मैं मिला था, और उसके बाद से लेकर आज तक मैं जितने भी हसनपुर की जनता, जहां तक मेरी औकात है, जहां तक मेरी क्षमता है, अस्पताल तक का, पैरवी तक का, या पटना में आप जब भी हमें याद करेंगे तो मैं मोटरसाइकिल से हूँ, साइकिल से हूँ, मैं जिससे भी हूँ मैं जरूर मिलकर आपसे सुनूंगा, ये हमारा एक अपना व्यक्तिगत है। तो जो हम सड़क पर निकले हैं आज, हम हसनपुर के रोसड़ा में सिंघिया में जो आज हम आपके साथ हैं, सिंघिया प्रखंड में आज हम हैं, इसके पीछे का आप बात समझ लीजिएगा, मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं 24/7 मेरा राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गाड़ी के आगे में बोर्ड लगाना है, झंडा लगाना है और नेता के साथ सेल्फी खींचा के घर का शोभा बढ़ाना है। मैं राजनीति इसलिए कर रहा हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ, जिस क्षेत्र से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है, मैं आज दोबारा अगर इस क्षेत्र में अगर आ रहा हूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैंने कुछ किया है, तभी मैं इस बोल्डनेस पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। समस्तीपुर लोकसभा का क्षेत्र हो, हमारा खगड़िया लोकसभा में यह हसनपुर विधानसभा आता है, हम पटसा में गए थे सर्वेश्वर महादेव मंदिर में, वहां पे पोखर का था कि फंड पास है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। मैंने माननीय सांसद चौधरी महबूल कैसर साहब के जो प्रतिनिधि है, मैंने उनसे तुरंत बात किया, मैंने बोला कि भाई फंड जो पास है इस पे आप हाथ लगवाइए। एक साल हमें लगा, आप मेरे जगह पे आप आइए, एक साल मुझे लगा अपने आप को समझाने में, एक साल मुझे लगा अपने लोगों को समझाने में, जो लोग समझने को, मतलब जो लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। आज भी लोग, कई लोग कहते हैं कि आकाश यादव तेज प्रताप के पक्ष में बोलता है, आकाश यादव लोग अंदरूनी बात करता होगा। मैं आपको क्लियर एंड कट बात बता देता हूँ कि मैं जिसका सम्मान करता हूँ मरते दम तक करता रहूंगा, और जिसका जो अधिकार है, जनता का जो अधिकार है, और अगर मैंने कसम खाया है कि जनता के अधिकारों को दिलाऊंगा तो चाहे वो अधिकार मुझे आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी या प्रिंस भैया से आग्रह करके मांगना हो या फिर तेजस्वी यादव से छीनना हो, दोनों काम करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों इतनी बातों में आप समझ गए होंगे कि आकाश यादव जी की आइडियोलॉजी क्या है, और निश्चित रूप से आकाश यादव जी आकाश यादव क्यों है ये बात आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा इस मुद्दा पे बात नहीं करेंगे, अब इनके कुछ पर्सनल जीवन पे चलते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो नेता होता है ना वो कपटी होता है, उसके अंदर में छल होता है, उसके दिल में कुछ होता है, मुंह पे कुछ होता है। नेता दिल का सच्चा नहीं होता, नेता दिखावा करता है, नेता जो है मूर्ख बनाता है पब्लिक को, ऐसे आम लोगों में ऐसी मानसिकता है। लेकिन ये भी नेतागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके माथे पे आप चंदन देख रहे होंगे, तिलक देख रहे होंगे, और ये नियमित रूप से काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, व्रत भी करते हैं। तो क्या एक सवाल मेरा ये है, क्या कोई नेता दिल का सच्चा होकर के नेतागिरी में सफल हो सकता है? मैं बता देता हूँ आपको,
राजनीति सद सब जनता सुनी होगी, पूरे भारत की जनता ने राजनीति सुना होगा और बिहार की जनता ने भी राजनीति सुना होगा, लेकिन एक ऐसा शब्द है लोक नीति जिसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आप भी नहीं सुने होंगे। लोक नीति मैंने तब सीखा था जब मैं पटना में, जब मैं राजद का प्रदेश अध्यक्ष था, छात्र राजद का, तो मैं पटना से सिताब दियारा सारण प्रमंडल में जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के घर पे मैंने 110 किलोमीटर का पद यात्रा किया था मिशन एक भारत। ठीक है, तो जब मैंने जेपी को जब पढ़ना शुरू किया तब उसमें जेपी ने एक बात कहा था कि मुझे राजनीति पे नहीं, मुझे लोकनीति पे विश्वास है। और लोकनीति ये कहता है कि आप समाज के अंदर में समाज के लिए खड़ा रहेंगे और बिना निस्वार्थ भाव से रहेंगे, वही आपका लोकनीति है। और लोकनीति ही के बदौलत आज जितने आपको बिहार और देश में दिग्गज नेता दिख रहे हैं 74 के आंदोलन वाले, वो सब लोकनीति के तहत ही दिखे हैं। और आज के समय में जो आपको जितने बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब राजनीति, ये सभी लोग का जो इम्प्रेशन मार्केट में बना उस इम्प्रेशन के दम पे राजनीति बदनाम होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को मानसिकता बदलना होगा। जनता को मानसिकता क्या बदलना होगा, 15 को बॉडीगार्ड है सीआरपीएफ, जनता उसके साथ जाती है फोटो खिंचाने के लिए, चाहे वो कुछ भी करे, जनता को अवॉइड करना पड़ेगा। ये नेता मेरे क्षेत्र का है, मेरा क्षेत्र का काम नहीं किया है, आप आवाज उठा रहे हैं और आप, आपके साथ 500 लोग पीछे आवाज उठा रहे हैं। ये नेता अकेले में नेता से मिला, नेता बोला कि तुमको एमएलसी बना देंगे, तुम चुप रहो, वो उसके मांगों को लेकर बैठ जाएगा। तो जनता को पहले ये समझना होगा कि राजनीति करने वाले लोग और लोकनीति वाले लोग, ये दोनों लोगों को जब तक जनता नहीं पहचान कर पाएगी तब तक हमें लगता है राजनीति और नेता दिन प्रतिदिन बदनाम होते जाएंगे। आपने जिक्र किया हमारे टीका का, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं बिहारी हूँ और मैं यादव हूँ, तो ये इतना चीज तो मैं हूँ। तो जब मैं इतना चीज हूँ तो मुझे बोलने में या करने में क्या दिक्कत है? आज के समाज में आप उतरते हैं मार्केट में, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहा लेकिन मैं समाज के रूप में बोल रहा हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी का जो पहनावा है, जो उन लोग का चरित्र है, जो संस्कार है, वो तो खत्म होते जा रहा धीरे धीरे। ये खत्म क्यों हो रहा है? ये खत्म बस इस वजह से हो रहा है ना कि लोग माथे पे अब चंदन नहीं, बाल में जेल क्रीम लगाना शुरू कर दिए हैं। लोग अब धोती और माला छोड़कर माथा में ब्लेड वाला नहीं स्टील का आता है वो पहनना शुरू कर देते हैं। सोन थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो सोना चांदी से गर्दन भर देते हैं। आप अगर हमारा शरीर देखेंगे तो हमारे शरीर में सोना नहीं दिखेगा, रुद्राक्ष का माला दिखेगा और माथे पे भगवान शिव का चंदन, माँ का मक्खिया का तिलक दिखेगा और स्मशान का भस्म दिखेगा। इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो जिस धर्म के हों अपने धर्म को किसी मौलवी और किसी पंडितों से ना पढ़ें, धर्म को और अपने अध्यात्म को खुद से पढ़ें और खुद से जानें। और जानेंगे कब आप? जैसे आकाश यादव ने राजनीति को जाना हसनपुर आने के बाद। हसनपुर अगर मैं नहीं आता, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय लालू यादव जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का कि मैं हसनपुर, उनके माध्यम से मैं हसनपुर जैसे इस क्रांतिकारी और पवित्र धरती पर आया। और मुझे इस बात बोलने में जरा भी संकोच नहीं है, जरा सा भी नहीं। मैंने पटना में मैं बैठ के मैंने पूरे बिहार का 38 जिला देखा है। हसनपुर की जनता में जो स्वाभिमान है, मैं दिल पे और दावे के साथ और डंके की चोट पे कहता हूँ, ये स्वाभिमान मुझे पूरे बिहार में किसी जिला में नहीं देखने को मिला है आज तक। जो यहाँ का स्वाभिमान है, यहाँ के लोगों के अंदर में लोकनीति कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो यहाँ का लोग आपसे बात नहीं करेगा, और आप अगर सम्मान दे देंगे तो यहाँ का लोग आपके लिए जान दे देगा। यही है लोकनीति, यही है लोकनीति, दो लाइन में बस बस सम्मान दो सम्मान पाओ। आप मेरे मुझे फोन करेंगे कि हेलो आकाश जी आप बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हाँ बोल रहे हैं नमस्ते, तो आपको अच्छा लगेगा। आप जैसे बोलेंगे आकाश जी, बोलिए हम आकाश जी के पीए बोल रहे हैं साहब, अभी नहीं ये बाद में बात होगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो खाली लोकनीति से लोग आगे बढ़ सकता है लोकतंत्र में। देखिए लोकतंत्र में आज के समय में देश का अगर आप परिदर्शा देखिएगा तो देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत स्थिति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा। अब उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 साल के सांसद हैं, लोकतंत्र की पहचान है। राष्ट्रपति दलित महिला आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनती है। बिहार के अंदर में जब आप भारतीय जनता पार्टी के एनडी गवर्नमेंट का देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय और जनता का सेवा करने वाले नेताओं को टिकट दिया जाता है, टिकट दे के जिताया जाता है, उनको उस हिसाब से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब मैं इस पार्टी में आया तो वैशाली का एमएलसी का चुनाव हुआ, वहां समझ लीजिए कि सुबोध राय जी नाम के थे, मेन थी राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी।
वहां पे भूषण राय जी को टिकट दिया थे पशुपति कुमार पारा चाचा जी ने, और पशुपति कुमार पारा जी के टिकट देने के बाद मैं वहां पे कंटिन्यू मैंने कैंप किया था, राघोपुर विधानसभा जो तेजस्वी जी का आता है, महनार विधानसभा, तमाम जगहों पे 605 वोटों से मैं चुनाव जीता। और उसी प्रकार जब आप पूरे बिहार के 243 विधानसभा को देखेंगे आप, तो आपको एक बात का एहसास जरूर होगा कि सदन के अंदर जान भेजने की क्षमता किस पार्टी में है। जिस पार्टी में सदन में भेजने की क्षमता है वो पार्टी का विचारधारा क्या है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कह रहा था जब सरकार में नहीं आया था कि हमारे पास 75 विधायक है, 75 ये है, 75 वो है। आज आप एक अगर लिस्टिंग आप निकाल के देखिएगा तो उनका सदन में लोगों को जो भेजने का जो मानसिकता है वो ये मानसिकता नहीं है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, उनका मानसिकता है कि हम जातीय राजनीति को रोटी को सेक सके, कि देखिए हम भूमियार को भेजें, देखिए हम राजपूत को भेजें, देखिए हम लाला को भेजें, देखिए हम चमार को भेजें। काम सब पार्टी नहीं करती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, तमाम जितनी भी पार्टियां है ना जाति धर्म के आधार पर राजनीति करती है, तमाम कोई भी पार्टी हो, क्योंकि वो आपका समाज का बना हुआ एक चक्रव्यूह है जिसमें कि आपको चलना है। लेकिन अगर आप हमारे यादव समाज से आते हैं और आपके अंदर क्षमता है और आप जनता की सेवा को उठा रहे हैं और मुझे यादव को भेजना है तो मैं आपको भेजूंगा ना, दूसरी कोई पार्टी नहीं करती। था मुन्नी रजक जी को, मुन्नी जी को मैं बहुत मुझे भाई मानती हूँ, बख्तियारपुर के रहने वाली है, उनको बनाया गया, मुझे बहुत खुशी हुआ। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव जी जिस पद पे नेता प्रतिपक्ष पे थे, क्या उस रजक परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के और भी रास्ते थे? और उसी जगह पे कोई दूसरे पढ़े लिखे रजक को लाते जो रजकों की आवाज उठाता, सदन में आवाज उठाता, वो महत्वपूर्ण होता। आप मुझे मुन्नी रजक जी का अभी तक का कोई भी हमको आप सदन का सत्र का आप अभिभाषण मुझे दिखा दीजिए। सदन में जाने की अगर क्षमता है तो क्षमता वाले को भेजिए जो जनता की सेवा का भाव से हो। अपने चेहरा को चमकाने के लिए अगर आप किसी को सदन में भेज रहे हैं तो ये गलत है। दो लाइनों में दोस्तों कहें तो ये बता रहे हैं कि नेता जो होते हैं ना अपने से नीचे लेवल पे नहीं चाहते कि उनसे कोई योग्य लोग आगे बढ़े, ये बात ये अच्छे से समझ गए। तो आप भी तो भैया नेता ही हैं, आप भी तो अपने नीचे नहीं आने दीजिएगा। मैं आपको भाई शॉर्ट में जवाब, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए भाई साहब, 2023 चल रहा है, 2024 आएगा, 2025 आएगा, लोकसभा आएगा, विधानसभा आएगा। अभी आकाश यादव एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुछ संविधानिक पद पे हम नहीं है, हम संगठन के पद पे हैं। संगठन के पद पे अगर हम हैं तो संगठन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, छात्र संगठन की। तो जब आप हमारे साथ छात्र संगठन का जब ढांचा को देखेंगे तो उसमें एक एक लड़का, जितने भी लोग अभी हमारे साथ खड़े हैं वो सारे पारा मेडिकल के छात्र हैं, एनएमसीएच के डॉक्टर हैं। तो पढ़े लिखे अगर युवा अगर आकाश यादव के साथ है तो आप समझ लीजिए कि वो मेरे साथ क्यों है। वो बस इसलिए है कि उनको समाज को बदलने के लिए राजनीति करना है, और जब वो मेरे साथ राजनीति करते हैं तो आकाश यादव उनसे ये नहीं बोलता, सुनो पानी का बोतल लेकर आओ मेरे लिए, सुनो मेरा जूता साफ करो, है ऐसे बोलेगा हमसे? ये सब नहीं करते। आप करके बात करते हैं, किसी से तुमताम करके बात नहीं करते हैं। और रात के 2 बजे भी हमसे जुड़े हुए जो भी साथी हमको याद करेंगे उनके लिए आकाश यादव खड़ा रहेगा। और यही चीज अगर आपके अंदर आएगा और यही चीज सबके अंदर आएगा तो लीडरशिप क्वालिटी ग्रोन होगा। और जिस दिन लीडरशिप क्वालिटी को बंद दीजिएगा तो आप कभी नेता नहीं बन सकते हैं। विदाउट टीम आप कुछ नहीं है। एक हाँ या नहीं में बताइए, राजनीति अच्छा चीज है कि बुरा चीज है? राजनीति देश के लिए आज के समय में युवाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे युवा जितना ज्यादा हो सके राजनीति में आए और मजबूती से आए, और बॉडीगार्ड वाले लोगों को, तामझाम वाले लोगों को, उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, आपकी भी पार्टी है, आप गठबंधन में ही लड़ती है, आपको भी कोटा मिलता है सीट का, तो आप लोग कितना, मतलब बोला जाता है कि पार्टी सब ना पैसा पे टिकट बेच लेती है, आप लोग देते हैं वैसा को खोज? देखिए देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस चुनाव का है, 20 का चुनाव, हसनपुर का चुनाव का है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, आपको सबको मिला के चलना होता है। अच्छा, जब चुनाव में जब पार्टी का जो टिकट खरीद बिक्री का जो बातचीत होता है ना, ये सब एक ऐसा बात है ना कि आप किसी के बारे में कुछ भी कर दें, जैसे देश का उद्योगपति मुकेश अंबानी, देश आगे बढ़ रहा है, देश को तो ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी जी पाकिस्तानी हैं या अफगानिस्तानी हैं, भारत के हैं।
लेकिन मुकेश अंबानी को भी भारतीय लोग में कुछ लोग जो अनपढ़ टाइप के क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी मोदी का हाथ है, मुकेश अंबानी फरनवा का हाथ है, मुकेश आदमी ऐसा हाथ है, तो जिसको टिकट मिल जाता है वो बेचारा अपने चुनाव लड़ने जाता है और वो पैसा कौड़ी जनता के बीच में देता है, गाड़ी का खर्चा हो गया, तेल का खर्चा हो गया, नाश्ता का खर्चा हो गया, ये हो गया, और जिसको टिकट नहीं मिलता है तो आज के समय में लोग अपनी असफलता छुपाने के लिए सामने वाले को बदनाम करने में कोई पीछा नहीं हटते। ठीक है, ठीक। अभी बिहार में जातिगत जनगणना चल रही और यहाँ पे जो जाति का समीकरण है बिहार में राजनीति में, हरेक जाति का एक एक स्पेशल नेता जो उस जाति को अपना वोट बैंक बताता है और उस पर दावा ठोकता है। आकाश यादव जी भी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसका भी एक विशेष जाति का नेता होने का लोग दावा करते हैं या कहते हैं। ऐसे में आकाश यादव जी जो बात बोल रहे हैं कि जाति से उठ करके समाज को लेकर के अच्छी अच्छी बातें जो बोल रहे हैं, तो इनके नेता पर ही वो एक खास जाति के पार्टी होने का वो धब्बा लगा हुआ है। दूसरा नंबर चीज कि जनता में भी एक देखा जाता है कि चिराग पासवान जी हैं, तो पासवान लोग में एक देखते हैं सेंटिमेंट, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो चिराग पासवान जी लोग में देखते हैं कि चिराग पासवान जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, अब तेजस्वी यादव जी हैं तो यादव जी लोग में देखते हैं, और हर एक पार्टी अपने अपने दल में जो है सो हर एक जाति के लोगों को अलग अलग सीट पर बैठाती है कि अपने अपने जाति को अट्रैक्ट करके लाए। ऐसे में आप बिहार में जो जाति फैक्टर है आप क्या मानते हैं कि इसके लिए नेता जिम्मेवार है कि जनता जिम्मेवार है? मैं एक 25 साल का हो चुका हूं, 26 साल को 7 अप्रैल को मैं एंट्री लूंगा। हाँ। जातीय जो राजनीति का जो अड्डा है, हाँ, एक युवा होने के नाते और अपडेट युवा होने के नाते मैं बता देता हूं। हाँ। अब धीरे धीरे जो पहले था कि यादव जी भी सिन्हा लगाते थे, लोग मिश्रा जी भी नाम चेंज करते थे, जो भी कुछ होता था पहले के, मैं नहीं जाऊंगा। अब जो मैंने रीड किया है, अब जो मैंने युवाओं के बीच में मैं रहा हूं ना, युवा वर्ग अब का जो भारत एक युवा देश है, युवा वर्ग अब जाति से बाहर निकल रहा है सर। अच्छा। युवा वर्ग के अंदर में एक राष्ट्र भावना आ चुका है। अच्छा। राष्ट्र भावना आने के पीछे का रीजन क्या है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, अच्छा, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जिस जिस राज्य में विकास का भी नहीं पहुंचा था वहां का पूरा विकास आ गया। बिहार के बारे में, हम बिहार में ही, बिहार पे भी हम आ रहे हैं आपके पास। जब आप बिहार के अंदर में आते हैं तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा राष्ट्रीय जनता दल करती थी कि हम यादव और मुसलमान के पार्टी, ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार जी कुशवाहा कोड़ी कुर्मी के पार्टी है, तेजस्वी जी बोलते थे कि नीतीश कुमार जाति विशेष के हैं, नीतीश कुमार नालंदा के, नालंदा के लोग को भर्ती कराते हैं। और आपने जैसा कहा कि चिराग पासवान जी, प्रिंस राज जी, पशुपति पारा जी के ऊपर दलित या पासवान वोट बैंक का, वोट बैंक का बात होता है। सर यादव हो, मुसलमान हो, कुशवाहा हो, कोयरी हो, पासवान हो, ततमा हो, पासी हो, दुसात हो, मरवारी हो, सिन्हा जी हो, कोई जाति हो, सारी जाति के पास, जिस जिस जाति के पास शिक्षा पहुंचा है वो जाति जातिवाद से बाहर निकला है। अब इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कैसे। राष्ट्रीय जनता दल के पास यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक, राघोपुर से चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ते हैं, 11,000-15,000 वोट से वो चुनाव जीतते हैं रात के 11 बजे, ठीक है। मीसा भारती जी लोकसभा से लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है, ठीक है। वैशाली MLC का चुनाव इन लोगों ने हारा, कुडनी का चुनाव हारा, उसके बाद गोपालगंज का चुनाव हारा और लोकसभा में 0 पर आउट हो गए। हाँ। सीमांचल के क्षेत्र में ओबीसी की पार्टी ने पार्टी का काम कर रहे हैं। हाँ। वहाँ ओबीसी जी के वजह से इनकी पार्टी कहती है कि ओबीसी बीजेपी का बी फैक्टर है। हाँ। ओबीसी बी फैक्टर नहीं है सर। अच्छा। यादव जाति के अगर आप नेता हैं, हाँ, 14 करोड़ की आबादी है, हाँ, 14 करोड़ में अगर 3 करोड़ अगर यादव है, हाँ, तो आप मुझे गिनती कराइए कि अपने सत्ता में रहते हुए और अभी आप सत्ता में है, आपने कितने यादव को क्या किया? वो तो ठीक है, नहीं किया, नहीं किया। मुसलमानों की जब बात करते हैं, शहाबुद्दीन साहब का जब डेड बॉडी पड़ा हुआ था दिल्ली में और जब कब्रिस्तान बॉडी गया था, तो राष्ट्रीय जनता दल का एक भी वरीय नेता का हमको नाम बता दीजिए जो कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ उस वक्त में खड़ा होगा। ये मुसलमानों की बात है। और जब आप अन्य जातियों की जब बात में, जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात में आइएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है देश के नाम पे। ये इस बात को हम मानेंगे। हमारा ये कहना है कि आपका जो पार्टी है पारस गुट, हाँ, ये इसका जो जड़ है रामविलास पासवान जी, जी बिल्कुल,
और जो विधानसभा चुनाव था उस समय में सब लोग साथे थे जी, थे ना, चिराग पासवान जी मुख्य लीडर थे, सब लोग साथ में थे ना विधानसभा चुनाव, ओपन ओपन में साथ में थे, इंटरनल चिराग जी थे आरजेडी के साथ। अब देखिए, अब नहीं नहीं हमको पहले सवाल पूछिए, सब लोग साथ में थे, अभी दो गुट में है आप लोग, जिसमें आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र के, सब लोग साथ में रहते हुए सब सीट पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं ज्यादातर सीटों पर, और आपको एको को सीट नहीं आता है, तो फिर दो टुकड़ा में आपका क्या हैसियत? मैं अब आपको बता देता हूँ सर, कि जिस वक्त 2020 का चुनाव हो रहा था, चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त पार्टी के पास 6 सांसद 5 सांसद हुआ करते थे, इंक्लूडिंग चिराग पासवान साहब भी। चिराग पासवान जी ने जो तेजस्वी यादव जी के साथ जो पर्दे के पीछे जो हाथ मिलाया, अच्छा, और जब हाथ मिलाने के बाद जो परिणाम आया, अब जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अब मैं अपने नेता को फोन करूंगा कि हेलो सर मैं जा रहा हूँ हसनपुर, तो वो तो बोलेंगे ठीक है जाओ भाई हसनपुर, मैं जा रहा हूँ पार्टी को मजबूत करने, और मैं यहाँ आऊंगा और आपके साथ चुपके शुरू में चल के बोलूंगा ना सुनिए वोट कर दीजिएगा आरजेडी को। ये बात तो आप बोल रहे हैं, ये बात हम सुनिए ना, ये तो एक मॉडल बना दिया गया चिराग मॉडल, वोट कटवा वाला। नीतीश कुमार जी तो खुले बीजेपी पे आरोप लगाए कि अमित शाह जी उसको करवा दिए जदयू को कमजोर करने के लिए, कभी तो आप नहीं बोले मीडिया में। मैं बता देता हूँ राजद के साथ ही किए, जिस वक्त चिराग पासवान जी लोग विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम आया, तो हर पार्टी का विधानसभा लोकसभा चुनाव का मंथन कार्यक्रम होता है, उस मंथन कार्यक्रम में तमाम सांसदों ने चिराग पासवान जी के खिलाफ में बगावती शुरू किया कि चिराग जी ने अपने गलती किया। उस समय में आप तेज प्रताप जी के जी, उस समय मैं 2020 में यहाँ था, जब पार्टी टूटी थी तब भी मैं आरजेडी में था। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे बोले कि विधानसभा चुनाव में आप थे तेज प्रताप जी के साथ, राजद में थे, आप बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी राजद से मिल करके सब खेला, इसका मतलब आप राजद में टॉप लीडरशिप में थे, आप देखे ही सारा चीज होते हुए। हसनपुर में लोजपा का प्रत्याशी कौन था? हसनपुर छोड़िए ना, पटना में नहीं सब देखे खेला होते हुए। मैंने क्या कहा, देखिए पटना का खेला देखना और आपको मैं हसनपुर में खेला का दिखा रहा हूँ, मतलब आपको गवाह मान लिया जाए, आपको गवाह मान लिया जाए कि दोनों मिले हुए थे राजद और बिल्कुल। आप हसनपुर विधानसभा में लोजपा के जो प्रत्याशी थे, आप उनके बारे में डिटेल निकाल लीजिए। अगर आकाश यादव जी ऐसे बोल रहे हैं कि राजद के साथ चिराग पासवान जी मिले हुए थे उस समय में जब राजद में टॉप लीडरशिप में थे, इसका दूगो मतलब निकलता है। पहला मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं ये जो दिल दोनों दल का जो मिलने का बात किया जा रहा है वो तो नहीं मिलने वाला है भैया, अभी कहे कि अगर मिलने वाला रहता तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखिए मैं बताता हूँ मैं अपने बातों पर कल भी आज भी और आने वाले दिन पर भी कायम रहूंगा। मैं कोई झूठ बोले अच्छा, किसी मुझे नेता का किसी का समर्थन नहीं करना है। दोनों दल मिल जाएगा तो कैसे फेस कीजिएगा ये सब स्टेटमेंट? अब मैं बताता हूँ, चिराग पासवान जी एक युवा है, युवा नेता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा और माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी के भतीजा है। चिराग पासवान जी भी शिकार आज हो गए, शिकार हुआ ना भाई, वो तेजस्वी जी के साथ थे नीतीश कुमार के खिलाफ, अच्छा, नीतीश जी के साथ चले गए तेजस्वी जी, हाँ। तो चिराग पासवान जी तो बेचारे अकेले पड़ गए, उनका तो आँख खुल गया। अच्छा। तो जिस प्रकार आकाश यादव का आँख खुला है, हाँ। उसी प्रकार चिराग पासवान जी का भी आँख खुला है, ठीक है, उनका भी आँख खुल गया कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो मेरा एक्सपेरिमेंट का जो मेरा फॉर्मूला था आरजेडी का, वो फॉर्मूला पूरा फर्जी निकल गया। एक बात बताइए, हम मान लीजिए कल के दोनों चाचा भतीजा मिल गए, बात बोलते हैं, अभी आपका प्रिंस पासवान जी पारस जी से अच्छा संबंध है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान जी को आप अच्छे न लगे, ठीक है, आप फिर वही तेज प्रताप वाला खेला हो गया तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं तेज भैया हमको मानते थे, तेजस्वी जी हमको नहीं मानते थे स्टार्टिंग टाइम से, सुन लीजिए अच्छा, बात अच्छा। मुझे जगदानंद सिंह जी नहीं मानते थे, तो क्या आकाश यादव कटोरे की भीख मांग रहा है क्या? आकाश यादव किसी के मतलब कि जो हमको हम किसी के गर्लफ्रेंड बनने के फिराक में है कि हमको वो पसंद करेगा तब हम बनेंगे, हमको वो पसंद कर नहीं। आकाश यादव को कूट कूट के भरा है, आकाश यादव को हमको पसंद करवाना किसी नेता को नहीं है, हमको पसंद कराना अपने जनता को है। हमारे केंद्र में बैठे पशुपति पारस चाचा जी भी हमारा काम देखकर हमको हमको इज्जत देंगे, हमारे इसलिए कि चाचा प्रणाम करते रहेंगे तो ये सब चीज से नहीं होता। ठीक है ठीक, पूरे इंटरव्यू में 3-4 चीजों का बहुत जिक्र किया गया, एक तो अपना कर्म जो है, दूसरा जनता से जुड़ाव, और एक नया चीज से ये अभी परिचित करवाए लोक नीति से। सारे चीजों का कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो आकाश यादव जी
अपने क्षमता से जनता के बीच में अपना पहचान बना करके काम करके आशीर्वाद लेकर के ये अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, न कि गंदी राजनीति करके, छल करके, कपट करके, झूठ बोल के, गुंडागर्दी करके, आ ये सब गलत काम करके नहीं बनाना चाहते। तो हम आकाश यादव जी से एगो रिक्वेस्ट करेंगे कि आकाश यादव जी बोलते हैं कि हसनपुर से हम राजनीति सीखे, हसनपुर के जनता के बीच में बहुते घूमे, गांव गांव में जानते हैं, लड़का लड़का को पहचानते हैं, और सब जानता है कि आकाश यादव जी जो है सो जब वादा हो रहा था हसनपुर के लिए तो आकाश यादव जी भी गवाह थे। तो हम आकाश यादव जी को कहेंगे कि आकाश यादव जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए, लेकिन आप इस क्षेत्र को गोद ले लीजिए लोक नीति के लिए, और जिस क्षेत्र में लोग ठका गया और आप जानते हैं कि लोग मजबूर है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, सड़क नहीं है, तो आकाश यादव गोद ले लेने ना, आपके पास तो समस्तीपुर का भी सांसद, आपका खगड़िया का भी सांसद, आपका करवा दीजिए ना विकास, हम लोग सहयोग करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, नया साल 2023 ये डेट नोट कर लीजिएगा, और मैं आपके भावना में आकर मैं भावना वाली बात बता रहा हूँ। 2023 में नए साल में खरमास के बाद मैं काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ जी का मैं पूजा कर रहा था और मणिकर्णिका घाट श्मशान में बैठा था और मैंने एक ही चीज प्रण लिया है, बस एक ही चीज कि समस्तीपुर सांसद हमारे खगड़िया लोकसभा के सांसद ना महसूस करूं, इसीलिए हसनपुर की जनता के बीच में मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं 14 जनवरी के बाद से ये लगा के मेरा दूसरा बार हसनपुर के अंदर में एंट्री हुआ है और मैंने पढ़ लिया है कि मैं हसनपुर की जनता से जो हमने वादा किया था, चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों का हो, सिरसिया के लोगों का समस्या हो, चाहे वो जो भी समस्या हो, अस्पताल तक हमारी क्षमता है कि मैं अस्पताल तक मदद कर देता हूँ, जहाँ हमको जो खोजते हैं सब कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे नेताओं से काम होने का होगा, आकाश यादव किसी भी पार्टी में रहे, मैं पार्टी विशेष नहीं बल्कि मैं एक हसनपुर का एक वादा करने वाला एक लड़का के होने के नाते मैं वादा पूरा करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। और कुछ हमको नहीं चाहिए कि मैं जब आईना में देखूं अपने आप को तो मुझे लगे कि मैंने हसनपुर में ये बात बोला था, आज ये बात हो रहा है। बस दोस्तों, वादा पूरा करने की बात कर रहे हैं तो जनता को दो तरह का काम पड़ता है, एक तो पर्सनल होता है कि ब्लॉक में, थाना में, मुखिया में, जिसमें, डेट में, ये जो समस्या होता है। दूसरा काम होता है कि जैसे बोले कि कॉलेज बनाना है, जो सरकार से मिल करके करना है, एक जनता की समस्या, एक सरकार से मिल करके विकास काम करवाना, तो वो काम आप पटना में बैठे बैठे भी करवा सकते हैं। लेकिन जो जनता वाली समस्या है, उसमें जो छोटा मोटा समस्या है, मुखिया जी वाला या आपस में झगड़ा उगड़ा वाला, ये सब छोड़ करके जो आपको लगे कि आपके साथ कोई बड़ा क्राइम हो गया है, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, आपके यहाँ बहुत ज्यादा घोटालेबाजी हो रहा है और लोकल प्रशासन नहीं सुन रहा, सीरियस मामले में जब आप थाना पे दौड़ दौड़ के थक जाए, जब आप ब्लॉक पे दौड़ दौड़ के थक जाए, जब आप अस्पताल में दौड़ दौड़ के थक जाए, जब आपके समाज का कोई दबंग आपको सता सता करके तड़पा रहा हो, उस समय में आकाश यादव जी को फोन लगाइएगा ये टेस्ट लेने के लिए कि जो बात यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं कुछ करते भी है कि नहीं। इसके लिए अभी आकाश यादव जी का नंबर सार्वजनिक करेंगे, अपना नंबर बताइए। नंबर हमारा 7970870293। और मैं आपको जरा एक बात बता देता हूँ, दो दिन पहले गढ़पुरा से 9 किलोमीटर आगे में लोहिया नगर थाना है, 20 दिन से दलित समाज की नाबालिग लड़कियां गायब थी। मैं हसनपुर में, हसनपुर बाजार में आलोक हमारा जो भाई जो अग्रेशन भवन हम लोग को दिलवाए थे, उनकी शादी थी, मैं उनके शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था। पटसा में सर्वेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा करते हुए हमारे पास बेगूसराय से फोन आता कि भैया आपसे हम हसनपुर में मिले थे, बेगूसराय में लोहिया नगर थाना में ऐसा ऐसा मामला हो गया। मैं हसनपुर भोज खाने से पहले मैं हसनपुर के आगे से टर्निंग लेके संगम पेट्रोल पंप से गढ़पुरा होते हुए मैं लोहिया नगर थाना पहुंचता हूं और थाने में पब्लिकों के साथ मैं खड़ा होता हूं और वहां का एक डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा हुआ एक समाज सेवी लड़का, काफी सम्मानित लड़का, अंकित जी नाम है उनका, 10 वोट से वो चुनाव हारे थे, उनको थानों वालों ने जबरदस्ती बैठा लिया था ताकि लड़का बाहर हल्ला हंगामा नहीं करे। मैं थाना पहुंचा, थाना पहुंच के हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि शाम तक में आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हुए अंकित जी को रिहा किया जाए और 2 दिन के भीतर जो हमारी दोनों नाबालिग बच्चियां हैं सही सलामत घर लौटे। हमारे
और हमारे पूरे टीम के साथ जब मैं वहां गया, जब वहां से निकल कर आया तो पटना पहुंचने से पहले मुसरी घरारी में मेरे पास फोन आता है कि आकाश जी अंकित छूट गया और जो दोनों बच्चियां थी वो दोनों बच्चियां भी कल तक में वापस आ जाएंगी। तो ये जो मुझे ऊर्जा मिला है, जो मुझे हिम्मत मिला है, उसी हिम्मत ऊर्जा का बदौलत मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हम आपके साथ 24 घंटा खड़े हैं। आपको जब भी लगे पटना पीएमसीएच, एनएमसीएच, पटना एम्स, महावीर कैंसर रोग संस्थान, हमारा जो पार्टी प्रदेश कार्यालय है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एयरपोर्ट के पास, वहां पे आप आ जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और प्रिंस राज भाई सांसद हैं, उनका लेटर और उनका ओएसडी आप लोगों के लिए 24 घंटा के लिए अवेलेबल है। जब मन आए तब जांच करके देख लीजिए। इससे पहले कि आप इंटरव्यू खत्म करें, एक बात बोलना चाहेंगे कि आकाश यादव जी एक कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट दिल के आदमी, क्योंकि एक ही गाड़ी में दोनों आदमी बैठे हुए हैं और भावनात्मक बातें हो रही थी कहीं ना कहीं, और इनके हृदय को हम कहीं ना कहीं इनके हृदय को झकझोरने का प्रयास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो आदमी दिल का होता है, दिल से सोचता है, दिल से करता है, वो चीज इनके चेहरे पे दिख रहा है और पसीना निकल गया और आंख इनका थोड़ा थोड़ा नम हो गया। हमारा नॉर्मल है, वही टेम्परेचर में है, समझ गए ना। ये चीज होता है कि आदमी दिल से जो है सो अच्छा है। दूसरा नंबर चीज कि एक आदमी जो लोक नीति में विश्वास रखता है, एक आदमी जिस जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, एक आदमी जिसके पास हसनपुर ये खगड़िया का भी सांसद है, समस्तीपुर का भी सांसद है, तो भैया काहे ने आज से इनका इनको यूज करना शुरू करें। तो आप लोग को जो भी समस्या हो ऊपर में नंबर देते हैं, गंभीर समस्या के लिए इनको फोन कीजिए। हो सकता है कभी कभी काम कर रहे हो नहीं उठा पाए तो कॉल बैक जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आकाश जी बता देते हैं कि कोई भी चीज होता है, छोटा घटना भी, तो रोसरा जंक्शन को जरूर फोन आता है और भी हमारे मीडिया के लोग हैं उनको आ जाता है। तो निश्चित रूप से अभी के बाद से आपको हसनपुर ही नहीं, ये रोसरा अनुमंडल में बहुत सारे मामले में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। स्कॉर्पियो में गाड़ी में तेल फुल रखिए और एक इधर के लिए एकदम ड्राइवर फिक्स रखिए, आपसे आपको दौड़ना पड़ेगा। और जब जब आप दौड़ के आइएगा हमारा काम कीजिएगा। तो इसी तरह से चिल्ला यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारा भी एक मांग है, हमारा गाड़ी में तेल भी फुल रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, वो भी नहीं रहेगा तो ट्रेन से भी आ जाएंगे, बस से भी आ जाएंगे, लेकिन हम आपसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि जैसे आज आप हमको यहाँ माँ काली टूर्नामेंट में बुलाए, इसी तरीके से हसनपुर से कोई भी जनता जब पीएमसीएच जाए खासकर और एनएमसीएच जाए, एम्स में जाए, तो हमको जरूर आप कॉल कीजिएगा। बिल्कुल 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 ठीक है दोस्तों। जिस तरह से समस्या बताते रहते हैं बताइएगा, एक ठो मिले हैं मदद करने वाले, और निश्चित रूप से अभी तक कोई मदद करने वाले थे नहीं। हमारा स्थानीय विधायक तो फोने नहीं उठाते हैं, रोसरा वाला विधायक जी खाली भोजे खाते हैं, सांसद जी लोग से हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो एक ऐसे आदमी मिले हैं जो इतनी गंभीर समस्याओं के बीच में ये ठोस आश्वासन दे रहे हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे। तो बहुत कुछ करना भी है और बहुत कुछ हम लोग को समस्या भी है। तो आज से आकाश यादव जी का रोसरा अनुमंडल से वो रिश्ता जुड़ने जा रहा है, पहले से भी है लेकिन एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, एक नए संबंध की शुरुआत हो रही है रोसरा जंक्शन के माध्यम से। आगे देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आकाश यादव जी के इन्वॉल्व होने से हमारे क्षेत्र में होता है, जो विकास और कानून की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य, पिछड़ा हुआ क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश यादव। धन्यवाद धन्यवाद।